नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में डालेंगे, आप सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। बनाना बहुत ही आसान है और एक ही लाइन का डिजाइन है। डिजाइन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपको डिजाइन और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे 4-4 हम फंदे गिने तो लास्ट में 2 फंदा बचना चाहिए, तो डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद तीसरे फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। फिर इस फंदे को हम बाएं सिलाई में लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, फंदे को वापस दाहिनी सिलाई में लेंगे और उनको अपने तरफ ले लेंगे। नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी हम बाएं सिलाई में लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, फंदे को वापस दाहिनी सिलाई में लेंगे और उनको अपनी तरफ लेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें दोहराना है। अगला 2 फंदा उल्टा और 2 फंदों को हमें उल्टा बुनना है और धागे को इस फंदे के चारों तरफ लपेट लेना है। घुमा लिया। नेक्स्ट फंदा भी हमें उल्टा बुनना है और धागे को इस फंदे के चारों तरफ हमें घुमा लेना है। ये फंदा फंदे को हमें चारों तरफ से घेर लेना है। अब अगले 2 फंदे उल्टे। फंदे उल्टा बनाएंगे, लेकिन धागे को हम इस फंदे के चारों तरफ ऐसे लपेट लेंगे। नेक्स्ट फंदा भी हमें उल्टा ही बनाना है, लेकिन धागे को पीछे ले जाएंगे, देखो फिर दाहिनी सिलाई में लेंगे और फिर धागे को अपनी तरफ। अब नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे। इस डिजाइन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखिए, ऐसे 2 उंगलियों में हम धागा फंसाएंगे, अंगूठे को धागे के नीचे ले जाएंगे और धागे को सिलाई के नीचे ऐसे करेंगे। अब अगले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और देखिए हमारा ये जो लूप बना है, तो हम ऐसे इसको खींचेंगे और जो सिरा खींचने पे खींचता ना हो, उधर से इसे हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लिया। अब देखिए इसको खींचेंगे, खींच लिया। अब फिर हम ऐसे लूप बनाएंगे, सिलाई के अंदर नीचे से ऐसे ले जाएंगे और अगले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, उस सिरे से जो खींचने पे खींचता ना हो। फंदे को उल्टा बुन लेंगे और धागे को खींच लेंगे। अब अगले 2 फंदे उल्टा। 2 फंदा उल्टा बुन लिया। अब फिर हम लूप बनाएंगे, सिलाई के अंदर ऐसे, सिलाई के नीचे से ऐसे धागा को ले जाएंगे और अगले फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है। यू हम खींच के देखेंगे, जो सिरा खींचने पे खींचता ना हो, उधर से हम इसको उल्टा बुन लेंगे और जो सिरा हमारा सिलाई के पीछे है, उसको ऐसे खींच लेंगे। अब फिर अगला फंदा हमें इसी तरह बनाना है, तो हम लूप बनाएंगे, सिलाई के नीचे से ऐसे ले जाएंगे। देखिए दोनों सिरे सिलाई के नीचे हैं, नीचे से ऐसे ले जाएंगे। अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, लेकिन उस सिरे से जो खींचने पे ऐसे खींचता ना हो, तो उधर से ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब इसको खींचेंगे तो ये हमारा, ये देखिए खींच गया। अब अगले 2 फंदे हमें उल्टा बुनना है। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे जिसे हमें उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह हमने
पहला लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये है डिज़ाइन का दूसरा लाइन। तो इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पूरी लाइन हम उल्टी बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। दो फंदों को उल्टा बुना। अब हम लूप बनाएंगे, सिलाई के नीचे ऐसे ले जाएंगे और अगले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। धागे को खींच देंगे और नेक्स्ट फंदा लूप बना के और उल्टा। फिर हम खींच लेंगे उन अपनी ओर, अगले दो फंदे उल्टे। तो हम इन दोनों तरीकों में से किसी तरीके से हम बना सकते हैं अगले फंदे को उल्टा बुन के। चाहे तो धागे को इसके चारों तरफ ऐसे घुमा लें, फिर अगले फंदे को उल्टा बुने, धागे को इसके चारों तरफ ऐसे घुमा लें। तो देखिए ऐसे ये जिग जैग जैसे बनता चला जाएगा। फिर अगले दो फंदे उल्टे, दो फंदा को उल्टा बुनना है और अगले दो फंदे को हमें उल्टा ही बुनना है, लेकिन धागे को इन दोनों फंदों के चारों तरफ ऐसे घुमा लेना है। अगले फंदे को भी उल्टा बुनना है और धागे को इसके चारों तरफ घुमा लेना है। तो इस डिज़ाइन में हमें सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं, सामने की तरफ से भी और पीछे की तरफ से। दो फंदे को नॉर्मली उल्टा बुनना है और दो फंदों को उल्टा बुन के उनको चारों तरफ घुमा लेना है। उल्टा बुना और इस फंदे के चारों तरफ हमें उनको घुमा लेना है। तो देखिए ये जिग जैग जैसा बनता चला जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। डिज़ाइन जितना आसान है उतना ही खूबसूरत। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।